सो गाइस फाइनली टिकटॉक बैन हो चुका है, जिसमें 59 चाइनीज ऐप भी है और टिकटॉक फर्स्ट नंबर पे आता है। गाइस तो टिकटॉक बैन हो चुका है, इंडिया की गवर्नमेंट ने टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया है। अब टिकटॉक नहीं चलेगा गाइस इंडिया में। और गाइस इसके पिछली बार भी बैन हुआ था, तो गाइस टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया था, लेकिन कुछ मोबाइलों पे चल रहा था, जिसके पास टिकटॉक था वो चला रहा था, उसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। जिस मोबाइल में भी इंस्टॉल था बस उसी में चल रहा था, लेकिन गाइस अभी ऐसा बैन हुआ कि जो सर्वर था चाइना का वो इंडिया में बंद हो चुका है, जिस वजह से अब किसी भी जिसके मोबाइल में टिकटॉक डाउनलोड है इंस्टॉल है अब उसमें भी नहीं चलेगा। इस सर्वर एरर का नोटिफिकेशन आया गाइस, तो अब वो आपके मोबाइल में किसी के मोबाइल में भी नहीं चलेगा गाइस। और आप देख सकते हैं इस लिस्ट में टिकटॉक फर्स्ट नंबर पर है, और जेंडर सेविट वगैरह ये भी है इस लिस्ट में है। तो गाइस ये सभी चाइनीज है प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हट गए, टिकटॉक तो हट ही गया गाइस। गाइस कुछ लोग बोल रहे थे कि पबजी भी बैन हो गया, तो गाइस मैं आपको बता दूँ पबजी चाइना का नहीं है, कोरियन ऐप है, तो अभी बैन नहीं हुआ गाइस। जो पबजी खेलता है वो खुशी मनाइएगा, और मैं भी पबजी खेलता हूँ गाइस। आप मेरी आईडी चाहते हो लेना तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करें, मैं आपके साथ भी पबजी खेलूंगा गाइस। आ जाइए गाइस मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। और गाइस आप चाहते हैं हम टिकटॉक चला सकें, तो गाइस मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप अभी भी टिकटॉक चला सकते हैं अपने मोबाइल में। गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना गाइस।